हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पर्पल क्वीन। आज मैं बनाने वाली हूँ फुग्गे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। चलिए हम इसका बनाने का मेथड देखते हैं। कुछ नहीं चाहिए आपको, बस बचा हुआ डोसा बैटर का इस्तेमाल करना है जो अच्छे से फर्मेंट होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और मैंने इसमें 1 कप बारीक कटी हुई ऑनियन डाली है और बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्लीस, धनिया, बेकिंग सोडा, साल्ट स्वाद अनुसार। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 5 मिनट के लिए साइड में रख दें। फुग्गे बनाने का तवा आपको इजीली मिल जाएगा। जो हमारा बैटर है इसमें मैं ऐड करूंगी और धीमी आंच में इसे पका लूंगी। ढककर पका लें और 2-3 मिनट के बाद इसे दूसरे साइड से भी पका लें। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे कुक कर लें। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। इसे हम स्मॉल इडलीज भी कहते हैं। इसमें आप और कोई सब्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैरेट, बीटरूट, कैबेज वगैरह वगैरह, ताकि बच्चों को हेल्दी फूड मिलना चाहिए। और अब मैं इसके लिए चटनी प्रिपेयर करूंगी। मैंने यहाँ पर एक टमाटर को मोटा मोटा कट कर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 प्याज, धनिया, स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें और इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। जो हमारे फुग्गे हैं उसे में हम इसको सर्व करेंगे। पाँच मिनट में बनने वाली रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी। प्लीज़ घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल पर्पल क्वीन।